हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाश शुरुआत करने जा रहे हैं हाई स्कूल में। पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर है तो एनसीईआरटी पैटर्न से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देता, ठीक है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा क्या होती है? विकिरण ऊर्जा, जब ऊर्जा किसी परमाणु से ऊर्जा उष्मा के रूप में जब चलती है तो वो क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है। चलिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, है ना? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यदि माध्यम की आवश्यकता होती, समझो, यदि माध्यम की आवश्यकता होती तो प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक कैसे पहुंचता? बीच में तो निर्वात हो गया ना, बीच में निर्वात हो गया, मतलब वहां कुछ भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में, अच्छा एक पहले एक चीज देखिए, सीधी रेखा में चलती कैसे पता चलेगा प्रकाश? ठीक, टार्च जलाइए, सामने ये हाथ रखिए या हटा दीजिए, टार्च जब जलाएंगे तो पीछे इन पर छाया बनेगी, यहां हाथ लगा देंगे तो पीछे पीछे जो है काले रंग की छाया बन जाएगी। जब हम टार्च जलाएंगे तो प्रकाश इसमें से स्पष्ट दिखाई देगा ना, हाथ लगा देंगे तो उसी की छाया बनेगी, हाथ इधर उधर करेंगे तो वो छाया भी इसकी इधर उधर होगी, मतलब प्रकाश सीधे जा रहा है, जहां ये हाथ पड़ गया वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में मतलब जहां कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है तो इसका मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाएगी। चलिए आगे उसको लिखेंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे कैसे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक। आगे, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? यदि अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलेगी तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या बनता है? श्रृंग और गर्त बनता है। ऊपर ये क्या बनता है? श्रृंग, और नीचे गर्त। हाई स्कूल में हम सब पढ़ चुके हैं श्रृंग, ठीक है, और यहां फिर ऐसे इस तरीके से बनता जाएगा ये गर्त। तो समान कला में स्थित दो कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। समान कला में स्थित दो कण, तो यही दूरी जो है ये हो गई तरंग दैर्ध्य। दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य हो गई, दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य हो गई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य कितना होता है प्रकाश का? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। आगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक सब बदल जाता है, ठीक है ना। क्या नहीं बदलता है? प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। कब? अलग अलग माध्यमों में। ध्यान दीजिए, अलग अलग अगर प्रकाश होगा तो उसकी आवृत्ति अलग होगी, लेकिन वही प्रकाश है, उस प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में चाल तरंग दैर्ध्य, विचलन, प्रकीर्णन सब बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक। यह समझ में आया? आवृत्ति कहां सेम रहेगी, कहां नहीं रहेगी। अलग अलग प्रकाश है तो उसकी आवृत्ति अलग होगी, लेकिन वही प्रकाश है अलग अलग माध्यम में जाएगा, चाहे जिस माध्यम में जाए उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। अलग अलग माध्यमों में क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या? चाल, तरंग दैर्ध्य, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक।